day we met. Your eyes so blue, mere piercing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me swoon. Our love is like a summer's day, hot and endless in a magic way. Whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair. अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आप लोग सोच रहे होंगे यस अगेन मैं अपनी अम्मी के घर पर हूँ। क्यों मैं अम्मी के घर पर? जस्ट बिकॉज के बहुत से काम वगैरह चल रहे हैं तो इसलिए मैं इधर हूँ। और आप मेरे मुंह पे ये दाने देख सकते हैं, ये मेरे मुंह पे दाने इसलिए हो रहे हैं जस्ट मुझे नहीं पता, मेरा स्टमक बहुत अपसेट है तो इसकी वजह से ये हो रहे हैं। और मैंने मेकअप बिल्कुल छोड़ा हुआ, इसलिए मैं कोई मेकअप वीडियो भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये है कि ये बस ठीक हो जाए किसी तरह से। पीप के दाने मेरे ना इवन ज़बान पे तक निकल आया था, लेकिन शुक्र है अभी वो ठीक हो गया। तो स्टमक बहुत अपसेट हुआ हुआ है, किसी को बुखार हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, तो मेरे स्टमक पर जोर आया हुआ है। अच्छा जी, अभी जो है मैं आपको कुछ ज़बरदस्त चीज़ें दिखाऊँगी। अभी मेरा भाई लेकर आया है, एक बहुत बड़ा सा कार्टन है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और एक बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन है, वो आपको देनी है खजूरों के बारे में, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। चलें तो आप मेरे साथ आए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो, अच्छा पहले तो मैं ये खजूरों का दिखा दूँ। अच्छा ये जो है ये हमने इसमें निकाल दिए हैं, ये है अंबर खजूर। और ये क्या प्राइस क्या है इसके? ये 428 खजूर, 428 खजूर, खजूर 428 है इसमें, अंबर अंबर नाम है। अच्छा ये खजूर है, 1600 पर केजी। तो ये खजूर है, ये आप खजूर का साइज़ चेक करें, ये अराउंड होगा तकरीबन, मतलब मेरी फिंगर से अगर चेक करें तो पूरे मेरे फिंगर के साइज़ का, अगर मेरी उंगली छोटी है तो कर लें आप थोड़ा सा, इतना सा माइनस कर लीजिए। ये इस तरह से है, ये मैं और थैली में करके दिखा देती हूँ। हाँ मैंने रोकी हुई अभी, ये इस तरह का देखें, ये साइज़ है, फ्रंट पे कर लेती हूँ ये। हाँ ये नहीं, ये वही वाली है, अंबर के नाम से है, 1600 पर केजी है। तो ये अगर किसी को मंगवानी हो तो वो मुझे जो है मैसेज कर सकता है, तो उसके घर पे डिलीवरी हो सकती है ये, ठीक है, फ्रॉम सऊदी अरब। तो ये बहुत ज़बरदस्त खजूरें आई थी, तो मैंने कहा अभी रमज़ान का महीना आ रहा है तो अगर कोई लेना चाहे तो वो डेफ़िनेटली ले सकता है। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं ये नंबर भी डाल दूँगी कि ये आपको कहाँ से अवेलेबल होंगी, तो ये मैं वहाँ पे डाल दूँगी। अच्छा ये सेकंड खजूर है, इसका नाम है, अच्छा इसका नाम तो हम बताए, इसका नाम क्या है? मबरून, मबरून 1500 केजी। अच्छा इसका नाम है मबरून, ये 1500 केजी है पर केजी। तो ये है कि ये भी अवेलेबल है, बहुत अच्छी सऊदी अरब की खजूर हैं, तो ये आपको वैसे तो लोकली अवेलेबल नहीं होंगी, तो ये अगर आप लोग लेना चाहें तो आप जो है, आपको नंबर मैं मैसेज कर वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से ये है कि आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिए, मेरे थ्रू कांटेक्ट कर लीजिए, जैसा आपको बेहतर लगे। और इसके अलावा ये आबे जमजम की भी बॉटल है, 5 लीटर बॉटल है, ये कितने की है? 3900 की है, आबे जमजम की बॉटल है। तो बस ये सही है, ये सब चीज़ें थी मैंने, तो इस तरह की थैली में ये आएंगे, ये हम लोग ने अपने लिए निकाल लिए और डब्बों में भर लिए, तो ये इस तरह से, ये थी ये अंबर वाली और ये वाली मबरून वाली, ये इस तरह से थैलियों में आएगी। तो ये थैलियाँ पूरी पूरी फिल भरी हुई होती हैं, तो जिसको भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर मौजूद होगा, तो वहाँ से वो कॉन्टैक्ट कर ले या मुझे मैसेज कर दे, तो ये वहाँ से आपको अवेलेबल होंगी। सऊदी अरब की खजूर हैं ये, ठीक है जी। चले अब हम दूसरी मज़ेदार चीज़ों की तरफ चलते हैं। चरा चलें जी, अब ये कोई मज़ेदार चीज़ें हैं, ये क्या है जो? लिंडो क्रीम। और ये कहाँ की है? ये हमने खाई भी तो नहीं है, खाएंगे तो पता चलेगा किस तरह की है। तो अच्छा ये जो है ना पूरा देखें, ये डब्बा पूरा भरा हुआ है, ये कोई पीआर पैकेज नहीं है। ये जो है ना मेरे भाई ने परचेज किया है अपने दोस्त की शॉप से, ठीक है, लो फैट मिल्क है। ये क्या है? योगर्ट। भाई ये भी हमने ट्राई नहीं किया हुआ तो हम इसके बारे में बता नहीं सकते, खाएंगे पर पता चलेगा। ये क्रीम चीज़ है, क्रीम चीज़, ये तो खैर खाई हुई है, ज़बरदस्त। किसकी है? अलमिया, एक अलमराई होता है, लेकिन है ये बाहर की ना, सऊदीया की है, ठीक है। मैं कैमरे को सोचूं ऊपर लगा दूँ,
ये क्या चीज है, ये जो है ना, ये वो आजकल वो आइसक्रीम कोन जो होती है छोटी सी लास्ट की जो बची हुई होती है, ये वो है। हाँ ये मैंने सुना था किसी से, मैंने अभी देखा। ये है, ये क्या चीज़ है, लाइट क्या नाम क्या है, ये वो लग रहा है मुझे, क्या चीज़ होती है ये, सऊदी की चीज़ नहीं लग रही सारी है। केक है, केक है ये, केक है, सऊदी की नहीं है लग रहा है। क्यों चढ़े इसको देख कर, चलो तुम करो भी ये फिर से आ गया। और ये टक टक है नाम से, टक टक है क्या नाम है, टक 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 ये तो ऐसा लग रहा है कोई पठान की है, किटकैट की चॉकलेट है। अल्लाह तौबा। अच्छा लेकिन है कहाँ की, पढ़ो पीछे लिखा हो इस तरफ से, पढ़ो ये अंग्रेजी में। ये है कोई, ये लैंग्वेज भी कोई और लिखी हुई है भाई, ये देखिए कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, पता नहीं कोई और सी लैंग्वेज लिखी हुई है, टक टक के नाम से ये है। किटकैट की तरह होंगी, आई एम श्योर अबाउट इट। हां और ये कोई क्या चीज है, लियोना वेफर बिस्किट है आई थिंक सो। ये फिर क्रीम आ गया, सारी चीजें ऐसा लग रहा है बाहर की है। एला बन रही वीडियो, बन रही है स्टिल। आ जाओ तुम भी आ जाओ बोलने। ये कोई लोकल सा केक है। हाँ तो मिलानो, मिलानो के ये होगा तो अच्छा है। केक नहीं है, ईरान का, ईरान का, ये ईरान का सामान है, चलो ये अच्छा। अच्छा जी, आपने सब चीज़ें देख ली होंगी, जो खजूर वगैरह का मैंने आपको बताया था, तो उसके सारे डिस्क्रिप्शंस कह रही हूँ, उसके सारे नंबर वगैरह जो है, कॉन्टैक्ट जो है, उसमें मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, तो आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, क्योंकि रमज़ान आ रहा है, तो उसमें जितनी अच्छी खजूर खाएँ तो यस ऑफकोर्स अच्छा है, ताकत आएगी, ठीक है। अच्छा इसके अलावा वुमेंस डे पर मैंने एक ज़बरदस्त स्पेशल चिकन निहारी बनाई थी, जो इंस्टाग्राम पर मैंने पिक्चर डाली हुई थी, तो अब मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट एंड ऑल्सो लाइक माई ऑल वीडियोज एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जी भैया, मैं निहारी बना रही थी। निहारी बनाने के लिए सबसे पहले तो हम एक पतीली के अंदर ऑयल डाल लेंगे। ऑयल हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, अराउंड मैं 1 kg की बना रही थी, तो मैंने कितना लिया है, अराउंड मैंने 1 कप ऑयल लिया है, और उसके अंदर मैंने ये 4 प्याज डाली हैं। अच्छा प्याज को अच्छे से फ्राई करना है, ब्राउन करना है, बिल्कुल ज़रा क्रिस्पी करके इनको मैं जो है प्लेट में निकाल लूँगी, इनको वो जो ऊपर से आप डाल के खाते हैं उस तरह से। तो ये ब्राउन होके मैंने निकाल ली थी एक प्लेट में। शान का निहारी मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा होता है। और ये है कि मैं चिकन की निहारी बना रही थी। अब ये जो मैंने जिस ऑयल में से प्याज निकाली थी, तो इसी ऑयल में मैं कंटिन्यू करूँगी कि मैंने अपनी इसके अंदर अब चिकन डाली है, इसको मैं फ्राई करूँगी चिकन को तेज़ आंच में, और चिकन को भी फ्राई करके मैंने निकाल लिया है। चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, तो इस वजह से हम चिकन को भी फ्राई करके निकाल के फिर अब हम उसमें अपना मसाला बनाएंगे। जबकि आप अगर बीफ निहारी बना रहे होंगे तो वो आप एक साथ ही करते चले जाएंगे, उसको आपको बीफ को, गोश्त को यानी अलग निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको चिकन को निकालने की ज़रूरत होती है। अब उसी ऑयल के अंदर मैंने शान का निहारी मसाला डाला और ये अदरक लहसुन। अच्छा पहले मैं अदरक लहसुन डाल सकती थी, लेकिन मेरा जो है ऑयल ऑलरेडी 2 बार कुक हो चुका था। एक दफ़ा उसमें प्याज कुक थी, फिर एक दफ़ा उसके अंदर जो है चिकन कुक हुई थी, तो वो ऑलरेडी इतना कुक मसाला था कि अगर उसमें मैं अदरक लहसुन डालती ना, तो उसने एकदम से डार्क ब्राउन होना था या लग जाना था, क्योंकि मैंने आँच अपनी बढ़ा के रखी हुई थी। तो मैंने ये कि मसाला और उसके बाद अदरक लहसुन डाल के उसे फ्राई किया है मसाले को अच्छे से, और फिर मैंने उसके अंदर पानी डाल दिया था। अच्छे से ये फ्राई हुआ हुआ था, इसके बाद मैंने इसमें पानी डाला था, तो देखा आपने कलर कितना अच्छा आया है। इसके बाद मैंने एक साइड फ्राई पैन में जो है आटा जो है वो डाला था, अराउंड मेरा जो है 4 to 5 tablespoons आटा है, तो ये मैंने सौते किया था, मैंने करा इतना था लेकिन डाला मैंने पूरा नहीं था, इसका भी आधा डाला था।
तो ये है कि इस तरह से मैंने उसको सौते कर लिया। इस तरह करके जो है आटा हम ऐड करते हैं निहारी में, तो निहारी में कच्चापन की फीलिंग नहीं आती। फिर ये साइड पे जो है मेरा तेज़ आंच पे ही पक रहा था, फिर इसमें अच्छी सी बॉइलिंग बाद में आने लग गई थी। आंच ये मेरे तेज़ ये था कि तेज़ से मीडियम तक। फिर खैर जब मेरा आटा हो गया था तो उसको फिर मैंने एक प्लेट में निकाला था, और फिर इसके बाद ये इस तरह आपके सामने ही मैं चमचा वैसे क्लीन कर रही हूँ। फिर ये कि मैंने जग के अंदर आटे को डाल के, फिर इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक जो है लई सी मैंने आटे की बनाई थी, स्मूथ सी, एक जैसे स्मूथी होती है ना उस तरह का एक टेक्सचर सा बना था, वो मैंने बनाया था। और ये है कि जितनी जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते गए थे। मैंने बहुत कम अमाउंट में ये बनाया था, सिर्फ इसलिए कि बहुत ज़्यादा आटा डालने से भी ना जो है ना निहारी में कच्चापन सा आता है। मैंने जो तेज़ आंच में इसको पका के गाढ़ा किया था निहारी को, और यही आप करें। अब ये बात है, देखें जो चिकन निहारी होती है वो बिल्कुल अलग तरीके से बनती है, जो मैं अभी आपके सामने जिस तरह बना रही हूँ, और बीफ निहारी का बिल्कुल अलग तरीका है। बीफ निहारी बिल्कुल भी इस तरह बनाने की ट्राई नहीं करें, वो बिल्कुल अलग ही तरह बन जाएगी। तो ये इस तरह से देखें, मैंने एक स्मूथी सा इसका टेक्स्चर रखा हुआ है, और ये इस तरह मैं चमचा चला के मैंने आपको दिखाया है। बिल्कुल भी किसी किस्म की इसमें गुठलियां ना बचे, मैं इसमें डाल चुकी थी। अच्छा, वो डालने के बाद भी इसको पकाते रहने निहारी को कि ये थिक होती रही, ये स्टेप बाय स्टेप होगी। फिर ये है कि ऑलमोस्ट जब ये नहीं, हमारा सालन देखें पक गया ऑलमोस्ट, कि ऊपर इसके घी आ गया। अगर ये पकाना होता तो घी नहीं आया होता। उसके बाद मैंने चिकन डाली, और स्टिल मैंने आँच तेज़ रखी है। ये प्याज मैंने की थी, साथ में अदरक नींबू हरी मिर्च मैंने काट दी थी, एंड हियर वी गो। और अब हम खा सकते हैं, हमारी चिकन निहारी ज़बरदस्ती शान की तैयार है और आपके सामने है। वुमेन्स डे की स्पेशल चिकन निहारी। एंजॉय विद मी।